नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर मध्य प्रदेश से। शिवपुरी जिले में पिछले 24 घंटे में 30 कोरोना मरीज मिलने से सनसनी फैल गई। 30 मरीजों के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 80 पहुंचा, तो वहीं प्रशासन अलर्ट पर है। साथ ही कोरोना पर काबू पाने के लिए कलेक्टर ने शिवपुरी में 7 दिनों तक लॉकडाउन लगा दिया है। देखिए हमारे संवाददाता घनश्याम गिलरवान की रिपोर्ट। पालन करें, प्रत्येक व्यक्ति से 1 मीटर की दूरी अवश्य बनाए रखें। किसी भी सार्वजनिक स्थान जैसे पेट्रोल पंप, दुकानें, दूध डेरियां या मेडिकल, वहां जैसे व्यवस्था की गई है उसी हिसाब से सामान लें। अपने गोल घेरों के अंदर ही खड़े होकर सामान लें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। प्रत्येक व्यक्ति से 1 मीटर की दूरी अवश्य बनाए रखें। समझे कि वो घुस में कोरोना है, तभी आप बच पाएंगे। आपने ये मान लिया कि कोरोना नहीं है तो बचना मुश्किल है, इसलिए आप लोग पता रहिए, हर व्यक्ति को संस्था से देखिए कि कोरोना वाला है और दो फीट की कॉन्टेक्ट की दूरी बना कर रखें, 2 गज की दूरी बना कर रखें। आने वाले भी संक्रमित हुए हैं। लॉकडाउन से हम चाहते हैं कि पहले तो ये स्प्रेड हो रहा है तेजी से ना फैले, क्योंकि अभी बहुत लोगों को आइडेंटिफाई करना है और शादियों में जाने वाले भी और उनके संपर्क में आने वाले भी, तो उसमें हमने मार्केट पूरा बंद कर रहे हैं सिर्फ आवश्यक अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर, और ये कोशिश कर रहे हैं कि उस दौरान हम इन लोगों को आइडेंटिफाई कर लें, स्क्रीनिंग कर लें, जिसको ज़रूरत है उसको मेडिकल हेल्प करा लें, कंटेनमेंट एरिया की स्क्रीनिंग करा लें, और इसलिए ये खास तौर से अगले 7 दिन का लॉकडाउन रखा गया। अच्छा सर, एक चीज़ और देखने में आ रही है, कंटेनमेंट एरिया जो बनाया जाता है उसकी दुर्दशा अगले दिन से देखने लगती है ना, तो वो बैरिकेड्स बचते हैं, टूट जाते हैं, सब गिरा देते हैं लोग, उसकी देखभाल के लिए कोई व्यवस्था है? सुरक्षा की नहीं, इसको हम और दिखवा लेते हैं, आपने नोटिस में लाया है मेरी बात, तो मैं इसको और दिखवा लेता हूँ, क्योंकि बीच में कई जगह पे कंटेनमेंट एरिया जो ख़त्म हो गए थे उनको भी हटाया नहीं गया था, तो वो अब ये करेंगे कि जहाँ नहीं है वहाँ नहीं है, फिर वो ऐसा नहीं लगे कि उसका कोई फॉलो अप नहीं हो रहा है, और इसलिए इसको थोड़ा विशेष ध्यान रखा जाएगा और नामजद ड्यूटी इनकी लगाई जाएगी। फ्लैग मार्च की कार्रवाई कब तक चलेगी? जब तक लगेगा कि जनता में जागरूकता फैलाने के लिए और आवश्यकता है, क्योंकि अभी देखने में आया कि जनता थोड़ा सा कोरोना के प्रति उसका जो भय या डर या जो एहतियात थी वो ख़त्म हो गई है, उनको ये बात समझ में आया कि भई ये इस तरह का लॉकडाउन है और ऐसा स्प्रेडअप हो गया है, तो वो विशेष ध्यान रखें ऐसी परिस्थितियों में कि किसी भी सार्वजनिक जगह पे ना जाएं, मार्केट में ना जाएं, जितना आवश्यक हो उतना ही बाहर निकलें, अन्यथा घर पर ही रहें।